कांकेर जिले में सिद्धेश्वर गांव में शनिवार को एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद घर में रखे दो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से घर में रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसकी बाइक ट्रेलर में घुसकर फंस गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिलासपुर में 15 साल की लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले बदमाश युवक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने नाबालिग को अकेले पाकर कपड़े फाड़ दिए और गंदी हरकतें करने का प्रयास किया था। लड़की ने शोर मचाकर अपनी आबरू बचाई थी। इस घटना के बाद से युवक फरार था। कवर्धा जिले के पिपरिया थाना अंतर्गत ग्राम बिरकोना के चंद्रवंशी पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार पर ट्रक चढ़ गया। दुर्घटना में कार चालक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। रायगढ़ जिले की डोंगरीपाली पुलिस ने शनिवार को परियाधीपाली क्रेशर के पास मेन रोड पर अवैध गांजा के परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी वाहन चालक और खलासी का कार्य करने वाले आरोपी बाल अपचारी से 8 लाख रुपए कीमत के 50 किलो गांजे की बरामदगी की गई है। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंगोरा भाटा स्थित महादेवा तालाब के पास एक व्यक्ति गांजा बिक्री कर रहा था कि सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश देकर टीकू उर्फ नारायण यादव को पकड़कर उसके पास से 7000 रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। बिलासपुर जिले की सिरगिट्टी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना स्तर पर अलग अलग टीम गठित कर न्यू बस स्टैंड तिफरा बिलासपुर रायपुर रोड के पास ट्रक को रोककर जांच की। ट्रक में अवैध कबाड़ का सामान रखा पाया गया एवं बन्नाक चौक सिरगिट्टी के पास ऑटो वाहन से कबाड़ जब्त किया गया। दोनों वाहनों से जब्त कबाड़ की कीमत 66000 रुपए बताई जा रही है। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जामपाली मेन रोड पर एक ट्रक को पकड़कर डालाबारी ट्रक से करीब 13 टन अवैध कबाड़ स्लेक लोहा कीमती तकरीबन 5,20,000 रुपए को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिला पंचायत सभापति अंकित गोराहा के ग्राम सेमरी रतनपुर स्थित फार्म हाउस में घुसकर ट्रैक्टर से बैटरी और डीजल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को रतनपुर पुलिस ने पकड़कर बैटरी और घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया है। माना कैम थाना क्षेत्र अंतर्गत एयरपोर्ट पास निर्माणाधीन नए रनवे रोड पर कुछ लड़कों द्वारा हाथ में चाकू लेकर चाकू को लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई माना पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर जांजगीर जिले के एक युवक को बिलासपुर के शातिर ने बीएसपी में 100% नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर और सिलेक्शन की अलग अलग लिस्ट भेजकर 6,50,000 रुपए युवक से ठग लिया। युवक की शिकायत पर जांजगीर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के दुगली साप्ताहिक बाजार के दिन गटासिल्ली निवासी मोहम्मद कयूम के पास से थैले में रखे 2,00,000 रुपए की उठाई गिरी करने वाले पारधी गिरोह के 3 सदस्यों को दुगली थाना पुलिस ने पकड़कर 2,00,000 रुपए के अलावा डेरा में रखे 2,70,000 रुपए कीमत के जेवरात को जब्त किया है। खेत में मछली पालन कराने के नाम पर फिश फॉर्चून प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की गई थी, जिसकी शिकायत पर मोहन नगर थाने में आरोपी गणों के विरुद्ध जुर्म कायम कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस ने आरोपी विनय शर्मा और ब्रजेश कश्यप को भीलवाड़ा जेल से गिरफ्तार किया है। जांजगीर जिले की जयजयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चोर भट्टी बंसुला मार्ग सोन नदी पुल के ऊपर घेराबंदी कर 50 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 3,00,000 रुपए बताई जा रही है।
शनिवार को महासमुंद SDM गौतम चंद पाटिल एवं SDOP निमितेश सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रोहित उत्खनन के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें मसोरा बनिया गांव कोपाबेड़ा एवं बमहनी में दल द्वारा कार्रवाई कर 14 ट्रैक्टरों को उत्खनन स्थल से पकड़कर जब्त किया गया। रेत के अवैध धंधे के खिलाफ मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद बिलासपुर में SDM और उनकी टीम ने छापेमार कार्रवाई का खुली शासकीय जमीन पर डंप करीब 100 हाइवा रेत जब्त किया। टीम के जाते ही खनिज विभाग की टीम ने जब्ती की रेत को उन्हीं माफियाओं को सौंप दिया जिन्होंने उसे डंप कर रखा था। पेंड्रा रोड पावर हाउस चौक पर सड़क निर्माण में लगे डबल ड्रम रोलर मशीन की चपेट में आने से एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विभिन्न बैंकों में लोन दिलाने के एवज में जांजगीर जिले के चंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिनोधा के 25 से 30 लोगों ने 2000 से 5000 रुपए लेकर धोखाधड़ी कर लाभ अर्जित करने के लिए कुल 2,00,000 रुपए की ठगी करने वाली महिला अरुणा गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में रपटा चौक पर अज्ञात बाइक सवारों ने एक सोनार से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी पहले से स्कूटी सवार बुजुर्ग की रेकी कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला आरोपियों ने बुजुर्ग से बैग छीना और बाइक पर सवार होकर हटरी चौक की ओर फरार हो गए। गरियाबंद जिले के मैनपुर पुलिस की टीम बस स्टेशन मैनपुर के हनुमान मंदिर के पास बैठे कमलेश कुमार गोंड नामक व्यक्ति को घेर कर पकड़कर उसके पास रखे बैग से 20 किलो गांजा जब्त किया है। कोरबा जिले के रामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित ग्राम घोड़ी के जंगल में जुआ खेलने एकत्रित हो रहे जुआरियों की घेराबंदी कर 5 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 12,100 रुपए और 19 बाइक को जब्त किया गया। बिलासपुर जिले की रतनपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल से गांजा की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने कुल 10 किलो गांजा बरामद कर बाइक को जब्त किया है। बिलासपुर जिले की सिविल लाइन पुलिस टीम ने मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच नाकाबंदी कर 2 बुलेट मोटरसाइकिल में सवार 5 युवकों को रोककर बारीकी से पूछताछ, उनके पास से 1 नग देशी कट्टा, 1 नग चिड़िया मार बंदूक, 2 नग बटनदार चाकू एवं 1 नग धारदार चाकू बरामद किया है। बालोद जिले में अर्जुंदा क्षेत्र के ग्राम डूडिया की मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर 1,03,000 रुपए के 24 टच स्क्रीन कीपैड मोबाइल और ब्लूटूथ पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड ईयरफोन सहित अन्य सामानों की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को अर्जुंदा पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया। बेमेतरा जिला पुलिस ने 6 वर्ष में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर पैसा हड़पने के मामले में साई प्रकाश चिटफंड कंपनी के आरोपी सहयोगी डायरेक्टर मृगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। हुआ किसी मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद था। आरोपी मृगेंद्र सिंह सेमर पाखर थाना ब्योहारी जिला शहडोल का रहने वाला है। भाटापारा शहर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से लूट के मामले में 6 माह से फरार आरोपी अजय यादव को दुर्ग जिले के ग्राम रसमड़ा में पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी से लूट के 2 मोबाइल को जब्त किया गया है। पूर्व में इस मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जगदलपुर में रविवार की सुबह 3 से 4 बजे के बीच दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम हिमांशु शांतिनगर का होना बताया जा रहा है, जो सुबह सुबह ब्लैक कलर की फोर्ड कंपनी की आई स्पोर्ट्स कार लेकर तेज रफ्तार से आसना की ओर जा रहा था। BSP टाउनशिप के सेंट्रल एवेन्यू पर डिवाइडर में पूर्व में लगाए गए लोहे की ग्रिल को कई स्थानों पर अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था। इससे इस मार्ग पर दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी। इसे देखते हुए BSP प्रबंधन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बैरिकेटिंग का काम फिर से कराया जा रहा है।
मोहन नगर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सागर वाकोडे को बिलासपुर से गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया है। आरोपी एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था। इसके बाद शादी का झूठा वादा करके उसका शारीरिक शोषण कर रहा था।